सामने आपको चार मीनार दिख रहा होगा, उसके पास जाके आपको दिखाते हैं। तब तक आपको चार मीनार के पास की मार्केट दिखा देते हैं। अंदर मार्केट है यहाँ पे, चार मीनार बाज़ार के सामने सब्जी मार्केट। ये भाई साहब को पता नहीं क्या परेशानी हुई, एकदम से साइड से निकल रहे चल पड़े हैं। यहाँ पे आपको चूड़ियाँ, ये देख रहे हैं आप चूड़ियाँ, पर्ल्स बहुत मशहूर है यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप ये सब आप इत्र, कुछ इत्र परफ्यूम टाइप लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको इत्र मिल जाता है काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों ये पीछे, तो दोस्तों आप ये पीछे देख रहे हैं मेरे मक्का मस्जिद है, इसमें कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। अभी वो भाई साहब ने हमें अंदर दुकान में बुला लिया, कहते मेरी दुकान दिखाइए अपने दर्शकों को, ये हमारी दुकान के बारे में लोगों को पता चले। काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी हमें तो उनके लिए 400 फुटबल 50 और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, बंद करा रहे हूँ। हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं बेगम बाज़ार के पास में, आपको बेगम बाज़ार का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आपको शादी का सामान सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे जी। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं चार मीनार के पास, आवाज़ का पता नहीं है। सामने आपको चार मीनार दिख रहा होगा, उसके पास जाके आपको दिखाते हैं। तब तक आपको चार मीनार के पास की मार्केट दिखा देते हैं। ये देखिए, ये चार मीनार के पास का बाज़ार है, ये सब सामान मिल रहा है यहाँ पे। कॉटन कैंडीज़ बिक रही हैं, ये सब मार्केट है यहाँ पे, स्ट्रीट मार्केट देख रहे हैं आप, ये सब बाज़ार है। वो सामने आपको चार मीनार दिख रहा होगा, अभी पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, जब मैं बिल्कुल उसके पास आ जाऊँगा तब आपको क्लियर दिखेगा। तब तक मैंने कहा कि अभी आपको वीडियो दिखा देते। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे हाय हेलो कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए वीडियो में, ये कपड़े मार्केट। चलो फिर आपको यहाँ पे मार्केट में ऐसा बहुत कुछ दिखेगा, फिर आपको आगे जाके और दिखाता हूँ। सामने चार मीनार है, वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम। थोड़ा थोड़ा मेरा भी एक्सेंट हैदराबादी आ गया है यहाँ पे, हिंदी मेरी भी थोड़ी बहुत हैदराबादी हो गई है। दिखाऊँ आपको, देखो सामने यहाँ पे हमारा भी हैदराबादी एक्सेंट हो गया थोड़ा सा। फिर अब वहाँ जाके आपको वहाँ पे उसी लोकेशन पे दिखाता हूँ। चलिए फिर, ये देखो दोस्तों सामने न्यू भारत मेडिकल हॉल, ये अंदर मार्केट है यहाँ पे, चार मीनार बाज़ार के सामने सब्जी मार्केट। ये यहाँ पे सामने लाडली दुल्हन, अलग अलग कोई दुकान सा बना हुआ है, लाडली दुल्हन दुकान का नाम है ये, सब्जी मार्केट। और सामने अंकित मैचिंग सेंटर है, अलग अलग से नाम है अजीब से। आगे चलते हैं भाई, आपको दिखाते रहते हैं और साथ में आप देखते जाइए। ये भाई साहब को पता नहीं क्या परेशानी हुई, एकदम से साइड से निकल रहे चल पड़े। अभी और देखते जाइए, यहाँ पे पार्किंग है यहाँ पे पीछे, अगर पार्किंग में कोई लगाना चाहे तो पेड पार्किंग है। ये बाज़ार देखिए, मेरी बात मानेंगे तो यहाँ पे आप कोई फ्राइडे को मत आइएगा, फ्राइडे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, इससे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि उस दिन जुम्मे का दिन होता है। तो आइए तो थर्सडे या और किसी और दिन आ जाइए। लड़ाई में अभी आप मार्केट देखिए, ये सामने गेट दिख रहा है आपको, उसके पीछे चार मीनार है। अभी आप मार्केट देखिए, चार मीनार के पास की मार्केट देख रहे, काफ़ी रश है अभी भी आज भी। चलो फिर अभी आपको आगे जाके मार्केट के पास ही दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, फिर अभी हम चार मीनार पहुँच गए हैं, ये आपको दिखाते हैं, ये बाज़ार भी दिखाते हैं, आपको बताते हैं इस बाज़ार के बारे में। यहाँ पे आपको चूड़ियाँ, ये देख रहे हैं आप चूड़ियाँ, पर्ल्स बहुत मशहूर हैं यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप चूड़ियों के शौकीन हैं, जो चूड़ियाँ पहनते हैं वो लेना चाहते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अच्छे पैसे में मिलती हैं। अभी सामने आपको चार मीनार दिख रहा होगा पीछे, तो चार मीनार है
अभी आप बाज़ार भी देखिए साथ में, बहुत रश है यहाँ पे। पल्स जेवर है, इधर भी है जेवर की दुकान। ये देखिए सब जेवर बेच रहे, ये बैग थैले टाइप बेच रहे हैं यहाँ पे। सामने चार मीनार है इस गेट के पीछे। ये चूड़ियाँ इधर बिक रही हैं, सोने की नकली पॉलिश है। आगे चले, आज जो दिन हम आए हैं वो थर्सडे है, फिर भी देखिए कितनी भीड़ है। फ्राइडे के दिन मैं आपको मना करूँगा कि कभी भी ना आने की सोचें यहाँ पे, फ्राइडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। चलो फ्राइडे को ना आए। शॉप्स वगैरह ये देखो, शॉप देखिए, यहाँ देखो ये ऐसे मंदिर बना हुआ है बीच में। ये सामने चार मीनार दिख रहा, फिक्स्ड बॉक्स बिग बॉक्स प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपीस। ये सामने देखिए, ये सब आप इत्र, कुछ इत्र परफ्यूम टाइप लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको इत्र मिल जाता है, काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है इत्र। ये डेकोरेटिव सामान देखिए, ये सब डेकोरेशन का सामान मिल रहा है। आगे चल रहे हैं अभी, सामने आपको दिख रहा होगा ये चार मीनार, ये चार मीनार है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आए सामान लेने तो बारगेनिंग बहुत करें, क्योंकि यहाँ पे बारगेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है। 100 की चीज़ आपको 30-40 में भी दे जाएंगे, तो इसलिए जब आएँ तो बारगेनिंग ज़रूर करें। यहाँ आपको जानबूझ के ज़्यादा रेट बताएँगे, फिर उसके बाद कम में भी आ जाते हैं। और ख़ासकर ऑटो पे काफ़ी ध्यान दें, ऑटो में बहुत ज़्यादा पैसे बताते हैं, तो उसमें बार्गेनिंग करें। तो सामने देखिए चार मीनार, ये मोटे मोटे अमरूदा बेच रहे, ये पुलिस की गाड़ी आ रही है इधर। अभी हम निकले यहाँ से, ये बैग बेच रहे, तो पुलिस वाले अंकल ने टाइम 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 बजा दिया। ये सामने चार मीनार देख रहे हैं आप, ये दो मीनार इधर है, दो मीनार पीछे की तरफ है, उधर जाएंगे आपको दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम चार मीनार है। चले आगे, मार्केट में देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये देखिए ये सब सामान बिक रहा है, देख रहे हैं ये आ रहे हैं पीछे, ये पीछे आ रहे हैं साथ साथ में। अरे अभी आपको हमने दिखाए चार मीनार, देखो वॉल्यूम आवाज़ का पता नहीं कैसी आ रही होगी, क्योंकि बाहर शोर बहुत है। ये देखिए सामान बिक रहा, यहाँ को देखिए आप सामान बिक रहा है चार मीनार का। उधर अंदर जाने का भी रास्ता है, बट हम अभी अंदर जाने की सोच नहीं रहे। अभी आप देखो ये पुराने सिक्के बेच रहे हैं यहाँ पे, पुराने ज़माने के पुराने सिक्के दिखाते हैं आपको। ये देखो पुराने ज़माने के पुराने सिक्के बिक रहे हैं, कोई कॉइन कलेक्शन वाले बंदा हो जो कॉइन कलेक्ट करता हो चाहता हो तो यहाँ आके कलेक्ट कर सकता है, ले सकता है इनसे। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो लगा हुआ है, आप इंस्टेंट बुकिंग कर सकते हो यहाँ से, स्कैन कर लो और यहाँ पे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं। ये सामने ऊपर चार मीनार है, ये उसका ही सर्वे के स्कैनिंग है टिकट बुक के लिए। चलो आगे बढ़े, मार्केट देखो आप कितनी भीड़ है। आइसक्रीम बिक रही है, सेल्फी स्टिक का बेच रहे हैं यहाँ, देख रहे
आ जाओ आइसक्रीम आगे बढ़े। ये अंदर जाने के लिए भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार के मंदिर में जाने के लिए रास्ता है। ये हमने पहली बार देखा, मैं पहले भी आया था पर यहाँ पे मंदिर नहीं था, शायद हो हमारा कभी ध्यान ना गया हो। यहाँ जी है आगे बढ़े। यहाँ है तो खासकर अपनी जेबों का ध्यान जरूर रखें क्योंकि तो जेब भी कट सकती है, उस चीज़ का ध्यान आपको अपने आप रखना है। ये देखिए वहाँ से आपने दो देखी थी, ये सामने दो मीनार इस तरफ है। अगर हम आपको दूर से दिखाते तो आपको चारों दिखती। देख रहे हैं आप आगे बढ़े। हाँ यहाँ रिपेयर हो रही है, नहीं पेंटिंग हो रही है, थोड़ी सी रिपेयर हो रही है, इस मीनार पे पेंट किया है। चले आगे ये देखो आप यहाँ की भाषा समझ रहे कैसी बोल रहे हैं। ये देखो इत्र मिल रहे हैं यहाँ पे, इत्र सब कुछ है, जूते, ये नकली हार। ये यहाँ का ये जगह है चार मीनार, देख रहे हैं ये सामने चार मीनार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी लोकेशन के पास। इसी जमाने में चार मीनार सिगरेट इसी के नाम से मशहूर थी। हाँ चार मीनार सिगरेट आती थी, पापा बता रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता सिगरेट विगरेट के बारे में। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बहुत स्ट्रॉन्ग सिगरेट मानी जाती थी। चार मीनार माचिस, हमें याद है कि चार मीनार की माचिस होती थी, माचिस भी और सिगरेट भी। आगे चले अब आगे, आपको इसके पास अगर आप घूमना आते हैं तो आपको बहुत कुछ जगह देखने को मिलती है। इसके पास ही मैं आपको मक्का मस्जिद, चाउमल्ला पैलेस, बहुत सी जगह दिख जाती हैं आपको देखने के लिए, पर हम भी उधर ही को जा रहे हैं। मोती वाली माला दूँ? चलिए आगे बढ़े और फिर मिले आपसे। हेलो दोस्तों कैसे हो, अभी हम मक्का मस्जिद के पास पहुँच रहे हैं, आपको दिखाते हैं मक्का मस्जिद। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है मस्जिद, यहाँ की मक्का मस्जिद मशहूर मस्जिद है यहाँ की मक्का मस्जिद। अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर हमें शूटिंग करने देते हैं कि नहीं देते, फिर आपको बताते हैं। चले अंदर अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये पीछे, तो दोस्तों आप ये पीछे देख रहे हो मेरे मक्का मस्जिद है, इसमें कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एक व्यू दे देता हूँ आपको। सामने ये सामने मक्का मस्जिद है, इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, मना करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आप अगर घूमना आना चाहते हो तो यहाँ घूम सकते हो। देखिए चलते अंदर, और एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पे अगर आप कोई लेडीज़ आ रही हैं तो ये पढ़ लीजिए, लेडीज़ आर रिक्वेस्टेड टू एंटर द मस्जिद विद हिजाब या दुपट्टा लेके आए, बिना उसके ना आए कोई भी, समझ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, कैमरा बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे चलते हैं, कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम अंदर घूमेंगे आपको नहीं दिखाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, हम जाके दिखाते हैं फिर आपको आगे बताते हैं। दोस्तों अभी हम वहाँ से निकला है, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था तो हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाए मक्का मस्जिद में। अभी हम जा रहे हैं चाउमल्ला पैलेस की ओर और आपको वो रास्ता दिखाते हैं। ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, देखो कपड़े बिक रहे हैं यहाँ पे, लहंगा साड़ी चूड़ जो भी आप सूट लेना चाहते हैं यहाँ पे मिलेगी, ज़रा कलेक्शन है यहाँ पे, बहुत सारी अच्छी कलेक्शंस है। एप्पल कोई लेना चाहे आना चाहे तो आ सकता है। ये पीछे देख रहे हैं पूरा, ये देखिए अब आगे बढ़े हम और आगे चल के आपको और बाज़ार दिखाएं, और हम जा रहे हैं अभी चौमल्ला पैलेस की ओर। ये देखिए अंदर से रियान एक्सटेंशन, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आप कोई भी साड़ी सूट सलवार सब मिलता है अंकल, सब चीज़ मिलता, साड़ी सूट सलवार लहंगा जो भी लेना चाहे वो लेने के लिए आ सकते हैं। बाहर दुकान का नाम तो आपने देख ही लिया है,
ये देखिए यहाँ पे, ये आपको मैं दुकान का कार्ड भी दिखा देता हूँ, नंबर भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए दुकान का कार्ड, इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, वैसे मैं नीचे डिटेल डाल दूँगा, ठीक है। अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे, ये देख लिए एक बार फिर बाहर, और आप नाम देखना चाहे तो ये देख ले, पढ़ लीजिए, रियान एक्सटेंशन। चलिए आगे बढ़े, ऐसी काफ़ी दुकान है यहाँ पे। ये अल नूर कलेक्शन, मेट्रो डिज़ाइनर। अभी वो भाई साहब ने हमें अंदर दुकान में बुला लिया, कहते मेरी दुकान दिखाइए अपने दर्शकों को, ये हमारी दुकान के बारे में लोगों को पता चले। काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी हमने देखा, आप भी लेना चाहें तो। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं ऐसी, देखिए। अब चलो यहाँ से हम ही आगे से हम मुड़ेंगे चौमल्ला पैलेस की ओर, फिर आपको पैलेस पे जाके मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं चौमल्ला पैलेस पे, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो चौमल्ला पैलेस लिखा है, इधर भी चौमल्ला पैलेस। टाइमिंग बता दूँ आपको, मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 बजे तक। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, अगर यहाँ पे कैमरे वैमरा की कोई परेशानी ना हो तो आपको अंदर दिखाते हैं। पार्किंग है, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं अपनी कार वार, कोई टैक्सी वैक्सी या कुछ खुद कार से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी यहाँ आप लगा सकते हैं, पार्किंग है इसकी, समझ रहे हैं। यह है चौमल्ला पैलेस की पार्किंग, यहाँ से भी हम अंदर जा रहे हैं। ये गेट है, आप यहाँ पे गेट देखिए, आग देखिए, गेट का एंट्रेंस देखिए, देख रहे हैं ये एंट्रेंस है इसकी, देखिए एंट्रेंस। चलिए अंदर चलते हैं, अगर इश्यू ना हो कोई भी तो। टिकट काउंटर है और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सामने अभी टिकट भी देखते हैं, ये देख रहे हैं आप सामने, ये चौमल्ला पैलेस है। टिकट भी देख लेते हैं, अगर कुछ है तो वहाँ से टिकट भी लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे 8 एंट्री टिकट, आप आपको बता दूँ एक बार। इंडियन सिटीज़न एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स के 40, और अगर कोई फॉरिजनर आ रहे हैं दूसरे देश से, दूसरे भाई बंधु आ रहे हैं तो उनके लिए 400। मोटरवेल फोटोग्राफी और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, बंद करा रहे हैं वो, टिकट के लिए यहाँ लगा रखा है उन्होंने और बस बना कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इनके नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, परेशानी ज़्यादा होती है। 50 की टिकट लो तो फिर बहुत ज़्यादा अंदर बना सकते हो, आप अगर नहीं ले रहे हो तो आपको कैमरा यूज़ नहीं करने देंगे, नखरेबाजी बहुत होती है इनकी यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ से अभी चलता हूँ आपको और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं, अंदर कैमरा वैमरा तो ले जाने नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं 50 रुपये की, हमने टिकट भी ली और अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करने देते। तो हमने कहा कि फिर क्या फ़ायदा अंदर घूमने का, पहले बंदा 100 रुपये की टिकट ले रहा है और 50 रुपये की अंदर टिकट मोबाइल फोटोग्राफी की ले रहे हैं और उसके बाद वो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे, कितना वाहियात व्यवहार है इन लोगों का यहाँ पे, बहुत ही बेकार था तो नहीं देते। अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं पर दिखाने के लिए, पर आप अगर उस चीज़ का पैसा ले रहे हैं बाहर 50 रुपये, तो आप उस चीज़ के बंदे को अंदर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करने दे रहे, कोई फ्री में तो आपको पैसा नहीं दे रहा ना, इसलिए हम आप यहाँ से निकल लिए हैं। और ये बता दें आपको, बहुत ही वाहियात व्यवहार था, घूमना चाहते हैं घूमने आ सकते हैं, पर आप अगर मोबाइल फ़ोटोग्राफी के लिए वो लेके आ रहे हैं, वीडियो के लिए आ रहे हैं, तो ये आपको बनाने नहीं देंगे, तो 50 रुपये की टिकट मत लीजिएगा, बेकार जाएंगे आपकी। अभी हम चलते हैं यहाँ से और आगे मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं बेगम बाज़ार के पास में, आपको बेगम बाज़ार का व्यू दिखाते हैं। बेगम बाज़ार हैदराबाद का बहुत मशहूर बाज़ार है, यहाँ का बेगम बाज़ार होल सेल मार्केट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सामान होलसेल में मिलता है। ये देख रहे हैं आप, ये बेगम बाज़ार है,
यहाँ पे आपको काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट बॉक्स, फिर आपको क्या कहते हैं, फिर आपको सामान चाहिए क्या कहते हैं, चूड़ियाँ, कुर्सी टेबल वाला, या फिर आपको दूसरा सामान चाहिए क्या कहते हैं, टेबल शादी ब्याह के लिए सामान चाहिए, वो सब यहाँ मिल जाता है। ये देखो ड्राई फ्रूट शॉप्स है साइड में, तो आप यहाँ कभी आ रहे हो तो ड्राई फ्रूट लेना चाहते हो, कोई हैदराबाद आया हुआ हो, ये पूरा ड्राई फ्रूट होलसेल मार्केट है। ये दिख रहा आपको, ये सामने पूरा ये बेगम बाजार है, ये देख रहे हैं हम, ड्राई फ्रूट शॉप्स है इस जगह पे, अगर ड्राई फ्रूट लेना चाहे तो। चलिए और आगे इंटरेस्टिंग कोई बाज़ार में चीज़ें दिखती हैं तो पूरा ड्राई फ्रूट है इधर, और कहीं इंटरेस्टिंग दिखता है तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बेगम बाज़ार से, वहाँ आपको काजू बादाम दिखाए, यहाँ पे भी देखिए अलग अलग मिल रहा है सामान, यह अलग अलग चीज़ें यहाँ, ये पान की शॉप, इंडियन पान शॉप, ये सामने यहाँ पे मिर्च मसाले, हल्दी, नारियल, ये सब बिक रहे हैं यहाँ पे, नाक में भी घुस रहा है मसाला, देख रहे हैं, आ जाओ और दिखाए, देखे नारियल बिक रहे, कटे हुए नारियल, ये शॉप्स हैं, ये यहाँ पे कैंडी एंडी बच्चों के खिलौने, ये यहाँ पे सामने है। अभी आ गया आपको, आपको और दिखाता हूँ, अच्छा मेन बाज़ार और फाड़ू वाला, आज थोड़ा सा लग रहा मार्केट जैसी लगी नहीं है, जैसा लास्ट टाइम हम आए थे वैसा लग रहा है कि है नहीं है। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो रंगोली का वो ऊपर बड़ी जाली मिल रही है, रंगोली के रंग वंग मिल रहे हैं यहाँ पे, वो रंगोली की वो मिल रही है यहाँ रंगोली वाले, देख रहे हैं। चलो और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आपको शादी का सामान सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे जेवर और हार वो सब मिल रहे हैं, चूड़ियाँ, ये यहाँ पे नमक में चीज़ें मिल रही हैं अलग अलग, ये यहाँ का लोकल बाज़ार है बेगम बाज़ार, मशहूर हैदराबाद का, ये रंगोली का सामान मिल रहा है, ये चाय पत्ती मिल रही है, टी, चाय के शौकीन लोगों, ये लोकल स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बाज़ार, लोकल मार्केट है ये यहाँ की बेगम बाज़ार, बहुत मशहूर है। अभी आप देखते रहो, काफ़ी अच्छा कुछ मिलता है यहाँ पे ख़रीदने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, चलने के लिए रास्ता नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ और आगे, ये अंदर भी मार्केट है, तो अंदर भी मार्केट में सामान मिलता है अलग से, बिंदिया बिंदिया टिक्के लेडीज सामान मिलता है अंदर। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखो गाड़ी रास्ता ही नहीं है यहाँ से निकलने का, पहले निकलने के लिए रास्ता बनाते हैं फिर चलते हैं, तब तक आप यहाँ अंदर का देखो, लिपस्टिक बिंदियाँ सब कुछ मिल जाता है, ये आना चाहे लेने तो मिल सकता है। अभी हम आगे निकलते हैं यहाँ से, आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही आपको, शोर बहुत है यहाँ पे, बड़े आगे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लेडीज़ आई हुई हैं इस बाज़ार में, औरतें बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं यहाँ पे लेडीज़, ये देखो सजावट का सामान, और आगे दिखाएं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें, बर्तन तांबे के, ये देखा आगे, तो यहाँ पे भी बर्तन मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, बहुत रश है भाई, पैदल चलने की जगह नहीं है, इतना भीड़ भाड़ है,
देख रहे हैं टोकरे, बिल्कुल भी पैरल चलने की जगह नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ है। ओके ऑटो है, ऑटो में हम इसीलिए नहीं आए तो दिखा देते कैसे आपको, अगर ऑटो में बैठ के दिखाते। ये देखिए शादी ब्याह में जो फट्टी यूज़ होती है, चौकी ये सब मिल रहे हैं। ये देखो छज्जे, ये देखिए सामने गड़वी की दुकान, ये छोटी छोटी चूड़ियाँ ये देख रहे हैं। ये पूरा बाज़ार है, आपको एक बार व्यू दिखा दूं मैं यहाँ से और फिर हम ये अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। पूरा बढ़ते हैं, ये देखो बेगम बाज़ार देख लो, अब अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं और फिर आपको वहाँ पे मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे।